हेलो दोस्तों, तो आज चलिए बनाते हैं फ़िश करी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। तो फिश करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रीही फिश ले लिया है और फिश को बहुत अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने वॉश करने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा नमक और थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के उसको मैरिनेट किया। और मैरिनेट करने के बाद मैंने कढ़ाई गरम की, उसमें डाला 4 टेबल स्पून सरसों का तेल और फिर मैं एक एक करके फ़िश को फ्राई करने लगी। जब मेरा फ़िश फ्राई हो गया तो मैंने मसाला तैयार किया। मसाला में मैंने 2 लहसुन की कलियां, 4 लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून सरसों, 2 लौंग, 4 इलायची डाला है और इसमें अदरक भी डालते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही अदरक डाला है और 1 टेबल स्पून जीरा डाला और इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया। इस पेस्ट को मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो उसी कढ़ाई में मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून सरसों डालने के बाद 1 चॉप्ड अनियन डाला है। और जो मैंने मसाला बनाया था पेस्ट, उसको मैंने इस प्याज के साथ डाल दिया है और उसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया है ताकि मसाला चिपके ना। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डाला और इसे अच्छे से भून लिया। जब ये अच्छे से भून गया तो मैंने 1 टमाटर डाल दिया है, टमाटर को भी अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने 2 कप पानी डाल दिया और इसमें फ्रेश धनिया डाल दिया। धनिया डालने के बाद जब पानी में उबाल आया तो मैं एक एक करके फ़िश जो फ्राई करके रखा था वो मैंने एक एक करके इसमें डाल दिया है और इसमें थोड़ा बॉयल आने को छोड़ दिया है। जब फ़िश अच्छे से बॉयल हो जाए तो समझ लो कि आपकी ये फ़िश करी तैयार है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएँ। थैंक यू।